बहुत स्वागत, सुपर टेन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ करते हैं शुरुआत इंडिया सुपर टेन के साथ। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर जनवरी 2024 में खुल जाएगा। 24 जनवरी से भव्य गर्भगृह में भक्तों को रामलला के दर्शन मिलेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मकर संक्रांति से शुरू होगा। भव्य गर्भगृह में रामलला को विराजित करने पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया योगाभ्यास। डिप्टी सीएम सहित मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी का संदेश सुना। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 1000 लोगों के साथ सीएम ने किया सूर्य नमस्कार। केंद्रीय बलों की तैनाती के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से किया इनकार। ममता सरकार को फटकार लगाई। गुजरात के दरियापुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हादसा। बताया जा रहा है कि रथ यात्रा के दौरान इमारत की बालकनी गिर गई और इसकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक रथ यात्रा के मार्ग में एक इमारत की दूसरी मंजिल की बालकनी का हिस्सा धराशायी हो गया। पूर्वी चंपारण में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो गई है। 120 एकड़ में बनने वाले इस मंदिर में 22 देवालय होंगे, साथ ही 12 शिखर होंगे। इसमें सबसे बड़ा शिखर 120 फीट का होगा। मंदिर में 33 फीट ऊंचे दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होगी। मुंबई से सटे भाईंदर से बीजेपी विधायक गीता जैन ने सरयाम महानगर पालिका के इंजीनियर को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी बिना नोटिस दिए घर को तोड़ने पहुंच गए थे। लोगों को जबरन घरों से बाहर निकालकर उनके घर को तोड़ दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी के बाद पति अगर पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता है तो यह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्रूरता है, लेकिन आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध नहीं। कोर्ट ने पति और उसके परिजनों के खिलाफ दायर उस क्रिमिनल केस को खारिज कर दिया जो पत्नी ने 2020 में दर्ज करवाया था। कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में यह बात कही। दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के 7 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर की मरम्मत के खर्च को लेकर यह नोटिस जारी किया। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। तेलंगाना के बीजेपी सांसद स्वयं बापू राव ने स्वीकार किया कि उन्होंने सांसद निधि का इस्तेमाल निजी कामों में किया है। स्वयं बापू ने कहा कि फंड में 2.5 करोड़ रुपए आए, इनमें से कुछ रकम इलाके के पार्षदों को दी गई। मेरे पास निर्वाचन क्षेत्र में घर नहीं था, इसलिए मैंने फंड से अपना घर बनवाया। इसी पैसे से मैंने अपने बेटे की शादी भी की। और अब मध्य प्रदेश सुपर टेन। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोर्चा संभाला। वीडी शर्मा ने प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस राहुल गांधी के फॉर्मूले पर काम करेगी। कर्नाटक चुनाव में उम्मीदवार चयन करने वाली राहुल की टीम अब मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गई है। ये टीम टिकट के दावेदारों का सर्वे करेगी, साथ ही कमलनाथ के अब तक हुए सर्वे का भी फीडबैक लिया जाएगा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि टीम ने प्रदेश में सर्वे शुरू कर दिए हैं। इधर राहुल गांधी के सर्वे पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को कमलनाथ के सर्वे पर भरोसा नहीं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जबलपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने उनका स्वागत किया। योग दिवस पर कार्यक्रम में आयोजन से पहले ये यहां पहुंचे थे। भोपाल में गले में पट्टा डालकर युवक की पिटाई के मामले में सभी 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस धर्मांतरण के एंगल से जांच कर रही है। वहीं सीएम शिवराज ने साफ किया है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं दिया जाएगा। बजरंगियों की पिटाई पर बयानबाजी का दौर जारी। इस बीच खंडवा सांसद का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाने के जवाब में उन्होंने ये तक कह दिया कि बजरंग बली का नाम लेकर जो गलत काम करेगा उनसे प्रशासन अपने स्तर पर निपटेगा और जनता भी पीटेगी। छतरपुर में बागेश्वर धाम से एक मुस्लिम युवक को देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। रज्जन खान नाम का यह युवक बागेश्वर धाम की परिक्रमा मार्ग पर कट्टा और कारतूस लेकर घूम रहा था। इसकी भनक लगते ही बमीठा थाना पुलिस ने इसकी तलाशी ली। इसके कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड के पास वीआईपी ड्यूटी में तैनात महिला आरक्षक से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरक्षक मोहन रजक को जबलपुर एसपी ने निलंबित कर दिया। साथ ही सागर से बल लेकर जबलपुर आने वाले अधिकारी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। जबलपुर के जीएसटी रिश्वत कांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने जीएसटी के पांचों घूसखोर अफसरों को जेल भेज दिया है। कोर्ट ने अफसरों की जमानत याचिका ठुकरा दी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। ग्वालियर में बिजली कटौती और अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। लगभग 1.5 घंटे तक कांग्रेसियों ने ऊर्जा मंत्री के बंगले के सामने धरना देते हुए बिजली कटौती बिल में मनमानी सहित अन्य मुद्दों पर नारेबाजी की और धरने की खबर लगने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आए और धरने पर बैठे कांग्रेसियों को पानी और चाय अपने हाथों से परोसी। सतपुड़ा की वादियों में बसे बैतूल जिले में पहली बार दक्षिण भारत की एक फिल्म शूट हो रही है। कई भाषाओं में ये रिलीज होगी। सबसे खास बात यह है कि फिल्म का 65% हिस्सा बैतूल और केवल 35% हिस्सा हैदराबाद में शूट होगा। फिल्म का नाम कल्लू कंपाउंड है जो 1995 के बैकड्रॉप पर आधारित है। फिल्म का मुहूर्त शॉट बैतूल में लिया गया। अगले 22 दिनों तक फिल्म की शूटिंग बैतूल के अलग अलग लोकेशन पर होगी। और बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। छत्तीसगढ़ सुपर 10 में विश्व योग दिवस पर छत्तीसगढ़ भी योगमय है। रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित गुजराती स्कूल के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम माथुर और बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। दोनों नेताओं ने योगाभ्यास किया। बिलासपुर संभाग से आए लोगों को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में लंच कराया गया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने सभी लोगों से एक एक कर मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और सीएम ने कहा कि योजनाओं और घोषणाओं पर अलग अलग फीडबैक मिल रहा है। सरपंचों का कहना है कि 70% घोषणाएं पूरी हो गई हैं। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। सीएम ने हितग्राहियों के खाते में 12 करोड़ 70 लाख की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को अब तक 488 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि गोबर खरीदी में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70% तक बढ़ी है। इस साल बारिश में विलंब हो गया लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छी बारिश होगी, फसल भी भरपूर होगी। जगदलपुर में प्रसिद्ध गौचा पर्व मनाया गया और पूरे विधि विधान से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा को रथ में सवार किया गया, जिससे पूरे शहर में भक्ति का माहौल दिखा। और गौचा पर्व में बस्तर राज परिवार के सदस्य सिरासार पहुंचे और 3 रथों के आगे पूजा अर्चना की और इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग यहां पहुंचे। मनेन्द्रगढ़ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत का शासन संघीय ढांचे से चलता है, अगर केंद्र की योजनाओं में कोई कमी होती है तो तकलीफ होती है। उम्मीद करता हूं राज्य संघीय ढांचे को नहीं तोड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग जिले के दौरे पर आएंगे और उनके दौरे की तैयारियां कर ली गई हैं और सभा स्थल पर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में आयोजित रैली में अमित शाह संबोधित करेंगे और रैली को लेकर पूरे शहर में पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं। कांकेर में मैनपुर गांव की मां शक्ति स्व सहायता समूह की महिलाओं ने ठेकेदारों पर बकाया राशि न देने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है। समूह की महिलाओं का कहना है कि साल 2017 में इन महिलाओं को बिहान योजना के तहत ईंट भट्टा संचालन की अनुमति मिली थी। कुछ वक्त तक ईंट बनाने के बाद प्रशासन ने भट्टे को बंद करने के आदेश दिए। इससे पहले इन्होंने 1 लाख ईंट बनाई थी, इनमें से आधी ईंट की बिक्री हुई, आधी ईंट ठेकेदार ले गया। 5 साल बीत जाने के बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। गरियाबंद में फिंगेश्वर ब्लॉक में राशन कार्ड श्रम कार्ड पीएम आवास के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। मामला कौंदकेरा गांव का है जहां पर 3 महिलाएं पहुंची और इन सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर 500 से 1500 रुपए वसूलने का आरोप लगाया। दरअसल तीनों महिलाओं पर आरोप है और खुद को केंद्र सरकार और ग्राम विकास संस्था की कर्मचारी होने का दावा कर इन्होंने ठगी की, लेकिन महिलाओं के पास किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं था। सड़कों पर खतरनाक स्टंट कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके स्टंटबाजी लगातार चल रही है। बिलासपुर में कार में स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है और इसके बाद इनकी तलाश की जा रही है।
और अब स्पोर्ट्स सुपर 10। विश्व कप के क्वालिफायर्स के चौथे मैच में ओमान ने आयरलैंड को 5 विकेट से हराकर उलटफेर कर दिया। मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर्स के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 281 रन बनाए थे और जवाब में ओमान ने 49वें ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। टेस्ट क्रिकेट में रूट 11,168 रन बनाने के बाद स्टंप आउट हुए हैं। एडबस्टन में खेले जा रहे एशेज के पहले टेस्ट में जो रूट ने दूसरी पारी में 46 रन बनाए। नाथन लियोन ने उन्हें विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों स्टंपिंग आउट करवा दिया। विश्व कप क्वालिफायर्स में श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा ने यूएई क्रिकेट टीम के खिलाफ 6 विकेट लिए। हसरंगा के वनडे करियर का यह सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। इस मैच को श्रीलंका ने 175 रन के बड़े अंतर से जीता। पीसीबी के चीफ नजम सेठी ने खुद को पीसीबी के अगले अध्यक्ष की दौड़ से बाहर कर लिया है। सेठी ने कहा कि वो देश के शीर्ष राजनीतिक नेताओं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष आसिफ जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच विवाद का केंद्र नहीं बनना चाहते। सेठी के इस ऐलान के बाद जका अशरफ से फिर से पीसीबी अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया। जका अशरफ का भी लंबे वक्त तक पीसीबी चेयरमैन बने रहना मुश्किल है। अक्टूबर में फिर पीसीबी के चुनाव होने हैं और ऐसे में जका अशरफ की कुर्सी जा सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे का शेड्यूल जारी हो गया है। दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से श्रीलंका और पाकिस्तान अपने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 अभियान की शुरुआत करेंगे। किदांबी श्रीकांत और लक्ष्य सेन एक एक स्थान का फायदा लेकर 22वें और 23वें स्थान पर आ गए। महिला एकल में पीवी सिंधु 12वें पायदान पर खिसक गई हैं। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। ख्वाजा 5वें दिन बल्लेबाजी करने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं। विश्व कप क्वालिफायर्स मैच में सिकंदर रजा ने नया कीर्तिमान रच दिया। उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ नाबाद 102 रन की पारी खेली और जिम्बाब्वे की ओर से वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज वो बन गए हैं। और अब बढ़ते आगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमेरिका से पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि योग एक विचार था, इसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। योग ने हमेशा से जोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर मंगलवार रात करीब 10 बजे अमेरिका पहुंचे थे और जहां उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिस्ट आर्टिस्ट साइंटिस्ट स्कॉलर्स और बिजनेसमैन के साथ साथ 24 हस्तियों से मुलाकात की। होटल लूटे न्यूयॉर्क पैलेस में टेस्ला के को फाउंडर और ट्विटर ओनर एलन मस्क से भी उनकी मुलाकात हुई। मस्क ने कहा, मैं मोदी का फैन हूं। वांग यी के मुताबिक भारत का मार्केट पोटेंशियल अच्छा है लेकिन यहां का बिजनेस एनवायरमेंट और इंडस्ट्री सप्लाई चेन एक बड़ी दिक्कत है। अमेरिका के साथ भारत के ट्रेड का असर चीन के साथ उसके व्यापार पर नहीं पड़ेगा। भारत जितना ज्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा उतना ज्यादा उसे चीन से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि भारत अमेरिका के बीच गहरे संबंध हैं और हर क्षेत्र में हमारी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। अमेरिका गुड्स एंड सर्विसेज में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी हेल्थ और डिफेंस के क्षेत्र में भी हम सहयोगी हैं। दोनों देश इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाने की तरफ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात का उनका कार्यक्रम था। मस्क और प्रधानमंत्री के बीच ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब टेस्ला भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करने का की कोशिश कर रहा है। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए लोगों को ले जाने वाले टूरिस्ट पनडुब्बी टाइटन रविवार को अटलांटिक महासागर में लापता हो गई। टाइटन पनडुब्बी में एक पायलट और 4 पैसेंजर्स सवार थे। इसमें ब्रिटेन के अरबपति कारोबारी हामिश हार्डिंग और पाकिस्तान के बिजनेसमैन शाहजादा दाऊद अपने बेटे के साथ मौजूद हैं और सबमरीन को ढूंढने के लिए अमेरिका और कनाडा के जहाज और प्लेन्स भेजे गए हैं।
हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि हिमालय के 75% ग्लेशियर पिघल कर खत्म हो जाएंगे। इससे हिमालय के नीचे भूभाग में रहने वाले 8 देशों के करीब 200 करोड़ लोगों को पानी की किल्लत और बाढ़ का खतरा होगा। पाकिस्तान में एक रोड एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग इसमें घायल हो गए। इनमें 19 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ग्रीस के पास 14 जून को नाव डूबने की घटना में पाकिस्तान के 300 लोगों की मौत हुई है। हादसे पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दुख जताते हुए कहा कि मानव तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये जघन्य अपराध है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अब हम आपको योग ऐसा बताएंगे जिससे आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा पाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से बचाने में मददगार होती है। योग के इस तरीके को देखिए। आप सभी से मैं शेयर करना चाहता हूँ कैसे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को प्राणायाम के द्वारा बढ़ाएं। तो हम बात कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम की। उसके लिए आप योगा मैट पर बैठ जाएं, सिंपल क्रॉस लेग करते हैं, कमर आपकी सीधी रहे। आप जो है अपनी राइट नॉस्टल को बंद करेंगे, राइट थंब से लंबी गहरी सांस लेंगे, बाएं नॉस्टल से बाएं नथुने से और श्वास छोड़ेंगे। अगर आप 4 सेकंड के लिए श्वास ले रहे हैं तो 8 सेकंड के लिए छोड़ेंगे। जो एक्सहेलेशन करेंगे श्वास छोड़ रहे हैं वो डबल होगा। इसी प्रकार से आप दूसरे नॉस्टल से कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं और डबल श्वास छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से आप दोनों नॉस्टल से श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से आप हाथों को ऊपर ले जाते हुए श्वास छोड़ते हुए इसी तरह से हाथों को सामने की ओर करते हुए साइड्स में और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज़ 18।